तो देखो, ये शीट हमने लास्ट टाइम की थी और 6 नंबर शीट है, और इसका क्वेश्चन नंबर 4 ने किया था। रेनॉल्ड्स नंबर एक नंबर है, एक कांस्टेंट है और डायमेंशनलेस है। डिटरमाइंस वेदर और नॉट द फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू द पाइप इज स्ट्रीमलाइंड। पहली बात तो ये कि आपको इससे मतलब नहीं है कि रेनॉल्ड्स नंबर क्या करता है। चलो फिर भी मैं बता देता हूँ। रेनॉल्ड नंबर एक नंबर है जो कि ये बताता है कि जो लिक्विड जो पाइप में फ्लो करता है वो लिक्विड कैसे फ्लो कर रहा है। दो टाइप के फ्लो माने जाते हैं। एक तो स्मूथ फ्लो, बहुत ही आराम से फ्लो कर रहा है पानी, तो बहुत ही आराम से फ्लो कर रहा है, स्मूथ फ्लो है, उसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइंड फ्लो। और एक है टर्बुलेंट फ्लो, मतलब मिक्स हो के पता नहीं रैंडम मोशन में मूव करते हुए झाग की तरह बाहर आ रहा है। जब बहुत तेज पानी बाहर आता है, छींटे पड़ते हैं, तो वो टर्बुलेंट फ्लो है। तो ऐसा हम लिक्विड्स के चैप्टर के अंदर स्टडी करवाते हैं, पर आपने अभी करना नहीं है। आपको बस ये बस कोई नंबर है, और ये किस पे डिपेंड करता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेलोसिटी, डेंसिटी एंड कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। तो किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी रेज टू पावर ए, डेंसिटी रेज टू पावर बी, और कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी रेज टू पावर सी। यहां ये स्टेटमेंट के बाद एक और स्टेटमेंट है। गिवन रेनॉल्ड्स नंबर आर वेरीज डायरेक्टली एज अ डायमीटर डी ऑफ द पाइप। तो जो रेनॉल्ड नंबर है वो डायमीटर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब कई लोग सोचेंगे कि ये चौथी टर्म है तो इसको रेज टू पावर डी करना चाहिए था, जैसे रेज टू पावर ए, रेज टू पावर बी, रेज टू पावर सी, रेज टू पावर डी, पांचवी टर्म होती रेज टू पावर ई एंड सो ऑन। एक प्रॉब्लम है, डायमेंशनल एनालिसिस जो हम कर रहे हैं ये सिर्फ 3 क्वांटिटीज तक ही सही रिजल्ट देता है, चौथी पांचवी में देता नहीं। तो आपने नोट किया होगा हमने जितने भी क्वेश्चंस किए कि फोर्स डिपेंड अपॉन मास, फोर्स डिपेंड अपॉन रेडियस, फोर्स डिपेंड अपॉन वेलोसिटी, एबीसी, बस एबीसी चलता है, डीईएफ चलता ही नहीं। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूलाज के आज हम देखेंगे डिसएडवांटेज है, सिर्फ 3 क्वांटिटीज का रिलेशन निकाल सकता है। तो यहां पर कौन सी क्वांटिटी है, कितनी है? 4। इसीलिए उसने एंड में दिया रेनॉल्ड्स नंबर आर वेरीज डायरेक्टली एज अ डायमीटर डी ऑफ द पाइप। हम बोलते नहीं एक्स डायरेक्टली वाई के साथ प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब कि जैसे रेनॉल्ड्स नंबर है वो डी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डी की पावर क्या लेके चलेंगे? 1। तो ये आखिरी में एक और टर्म ऐड की, लेकिन यहां पर डी लिखने की जरूरत नहीं, यहां पर ऑलरेडी उसने पावर दे रखी है 1। तो अब ये 4 क्वांटिटीज को आप मर्ज कर रहे हैं, ए बी सी और डी की पावर 1। रेनॉल्ड्स नंबर का कुछ नहीं, 1 है। जो वेलोसिटी है एल टी माइनस 1 है, डेंसिटी एम एल माइनस 3 है, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी एम एल माइनस 1 टी माइनस 1 है, और डायमीटर तो लेंथ होती है तो यहां पर एल है। तो यहां से एम वाली टर्म्स एक तरफ, एल वाली टर्म्स एक तरफ, टी वाली टर्म्स एक तरफ, और यहां पर कुछ नहीं है, तो एम एल टी तीनों 0 0 0, एम की पावर एम के साथ, एल की पावर एल के साथ, टी की पावर टी के साथ। तो 3 इक्वेशन आएंगी, इन्हें साइमल्टेनियसली आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करके ए बी सी की क्या जाएगी? वैल्यू आएगी जो कि आपके सामने है। मतलब मेरे कहने का मतलब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि चौथी टर्म की पावर ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद एक और शीट थी, शीट नंबर 7। कितने लोगों ने ट्राई की? ट्राई की है, ठीक है। तो कितने लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है? सबका हो गया। आपने ऑर्बिटल वेलोसिटी को क्या लिया? वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी हो, सैटेलाइट की वेलोसिटी हो, कार की वेलोसिटी हो, किसी भी चीज की वेलोसिटी हो, वेलोसिटी एल टी माइनस 1 ही रहेगी। तो वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन मास रेज टू पावर ए, आर रेज टू पावर बी, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेज टू पावर सी। इन्हें कंबाइन कर लिया। वेलोसिटी बस ये इंपॉर्टेंट है, एल टी माइनस 1 है, मास इसमें एम है, आर इसमें एल है, और एक्सेलरेशन इसमें एल टी माइनस 2 है। बस उसके बाद आपने पावर्स कंपेयर करनी है। पावर्स कंपेयर करके इक्वेशंस बनेगी, इन इक्वेशंस को सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकलेगी। ए बी सी की वैल्यू रिजल्ट में पुट करके आपके पास आंसर आएगा, क्योंकि एम की पावर 0 ए आर है, ये बी और जी, तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे? अंडर रूट ऑफ आर जी, अंडर रूट ऑफ आर जी।
तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो मेथड डिस्कस कर रहा हूं, कैलकुलेशन आपने खुद करनी है, ठीक है यहां तक? अगली बार आपके फॉर्मूलाज 25, पहले 25 फॉर्मूलाज का टेस्ट है, आज इंटीग्रेशन है, तो आपको 10 फॉर्मूला दूंगा 25 में से। आपको बनाने आते हैं नहीं आते मुझे नहीं पता, बस फॉर्मूला सही लिखना चाहिए आपको। जैसे फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला MLT-2, आप रफ में करो, आप फेयर दिखाओ, कोई हम देखेंगे नहीं, फॉर्मूला सही लिखना है बस, दैट सेट। तो आपने 25 पहले फॉर्मूलाज याद करके आने हैं, फिर अगली बार फिर टेस्ट है आपका क्लास के बाद, फिर वो सारे फॉर्मूलाज का है, 10 और ऐड हो जाएंगे उसमें, और तो कुछ नहीं है, तो 2 बार हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि इस चैप्टर का मेन प्रॉब्लम ये है कि लोगों को फॉर्मूले भूल जाते हैं, और अगर फॉर्मूले भूल रहे हैं ऑब्वियसली यार कोई फिर पर्पज़ ही नहीं है उसको चैप्टर का, मतलब आपको आता भी है चैप्टर फिर भी आप कर नहीं पाएंगे, आपको फॉर्मूला याद नहीं, और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्कूल में जाते ही आपका ये चैप्टर जो पहला टेस्ट होगा इसी में से होगा, तो इंपॉर्टेंट है, क्यों फ्री के नंबर छोड़ने हमने, ठीक है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 2, कितने लोगों को डाउट है, कितनों का हो गया? हो गया। तो टर्मिनल वेलोसिटी वी ऑफ अ स्फेरिकल बॉडी, अब टर्मिनल है चाहे ऑर्बिटल है, वेलोसिटी तो वेलोसिटी है, तो टर्मिनल वेलोसिटी वी डिपेंड्स अपॉन किस पे? रेडियस रेस टू पावर ए, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रेस टू पावर बी, और विस्कस ड्रैग क्या होती है? फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स लिक्विड की विस्कस ड्रैग रेस टू पावर सी। तो यहां कंबाइन कर लिया, तो वेलोसिटी LT-1 है, आर लेंथ है, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ML-1 T-1, और फोर्स इज ML T-2। बस फिर पावर्स कंपेयर करनी है, ABC निकाल लें, ABC से आपके पास आंसर आएगा, ABC आ रहा है -1, -1 और 1, कुछ ऐसा। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? ठीक, मेन चीज आपने देख ही ली होगी, मेन चीज सिर्फ ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, बाकी तो देखो मैथ है अपना अपना, इसका तो कोई इलाज नहीं है, मैं 4 क्वेश्चन करके भी दिखा दूंगा, फायदा ही नहीं है, जब तक आप नहीं ट्राई करोगे कुछ नहीं होगा। तो आज भी आपको होमवर्क दूंगा यूनिट्स एंड डायमेंशन का, लेकिन ऑब्जेक्टिव दूंगा आज, तो ऑब्जेक्टिव शीट्स आपको ट्राई करके आनी है, ठीक है? आज खत्म हो जाएगा यूनिट्स एंड डायमेंशन, अगली बार बहुत बढ़िया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन, और कोर फिजिक्स का पार्ट है, आपको लगेगा कि फिजिक्स चल रही है, तो बॉल ऊपर फेंकी, अगेंस्ट ग्रेविटी नीचे फेंकी, एंगल पे फेंकी, वो सारा कुछ हम डिस्कस करने, पहले 1D करेंगे फिर 2D, 2D तो बहुत ही मज़ेदार है, वो तो प्रोजेक्टाइल मोशन है, उसमें तो काफ़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो अब ये स्टार्ट हो गया, वेक्टर अलजेब्रा, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में एक प्रॉब्लम है, कितने को डाउट है इसमें? अच्छा, कितने लोगों को ये समझ में आ गया था कि अ गैस बबल ऑसिलेट्स विद टाइम पीरियड टी विच डिपेंड्स अपॉन, तो टी डिपेंड्स अपॉन क्या? स्टैटिक प्रेशर पी। स्टैटिक प्रेशर, डायनेमिक प्रेशर या प्रेशर, एक ही बात है। तो प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, तो आप निकाल लेंगे फोर्स अपॉन एरिया से डायमेंशन फॉर्मूला। कह रहे स्टैटिक प्रेशर पे डिपेंड करता है ए, डेंसिटी ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है ईटा। अब एक चीज मुझे बताओ, डेंसिटी का सिंबल कब से ईटा होने लग गया? ईटा तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का होता था, इसने जान के कंफ्यूज करने के लिए क्या लिखा? ईटा, ताकि लोग पढ़े ना और सोचे वाह क्वेश्चन बढ़िया हो गया, ईटा ML-1 T-1। लेकिन आपने ये नहीं देखना, आपने क्या देखना है? नाम पढ़ना है, डेंसिटी है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला ML-3। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? और नेक्स्ट है टोटल एनर्जी ए, बस इसमें यही मेन पार्ट है कि टी की वैल्यू टाइम पीरियड इन तीनों पर डिपेंडेंट है, कंबाइन किया टी फॉर टाइम पीरियड, पी फॉर प्रेशर, ईटा फॉर डेंसिटी एंड ई फॉर एनर्जी। तो फिर से एक बार एम और एल और टी की पावर्स को कंपेयर करके एबीसी आया, इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एबीसी कैन बी कैलकुलेटेड। वैसे मैं ये शीट आपसे शेयर कर दूंगा PDF, तो आपको मिल जाएगी, आपने देखना हो कैलकुलेशन देख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट कैसे इसमें हम यूज कर रहे हैं? कितने लोगों का ये क्वेश्चन हो गया, कितनों का डाउट है?
assuming that mass m of largest stone that can be moved by flowing river depends upon the velocity of flow of the river v. एक तुमने कहानी बड़ी लंबी सी डालता है, पता नहीं क्या शुरुआत इसकी हमेशा सारे क्वेश्चंस की ऐसी है क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट तो पता ही नहीं क्या हो रहा है. तो m डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी रेज टू पावर a, डेंसिटी d, g. शो दैट m वेरीज एज सिक्स्थ पावर ऑफ वेलोसिटी. तो m वेरीज एज सिक्स्थ पावर ऑफ वेलोसिटी, तो प्रूव करना है a की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सिक्स. इन्हें कंबाइन करें तो यहां पर मास m है, वेलोसिटी lt माइनस वन है, डेंसिटी ml माइनस थ्री है, एक्सेलरेशन lt माइनस टू है. तो यहां से m की पावर, l की पावर, t की पावर निकालेंगे और कंपेयर करेंगे. जब कंपेयर करेंगे तो प्रूव वाले क्वेश्चन बहुत बढ़िया होते हैं. यहां जो मर्जी करें, a की वैल्यू 6 ही लिख के आए और लिख दें हैंस प्रूव. ये मत करके आए कि ओ यार a तो 4 आ गया यार, क्वेश्चन छोड़ दिया, हुआ ही नहीं यार क्वेश्चन. नहीं, प्रूव में हैंस प्रूव तक करना है. चाहे कुछ भी हो, सिक्स पावर है तो सिक्स पावर है. वैसे आ रही है सिक्स पावर, ए भी सॉल्व करोगे तो ये 6 ही आ रहा है. पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? पर प्रूव वाले क्वेश्चन में तो यार प्रूव करना ही होता है, पता ही आपको. पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कितने लोगों को यह समझ में आ गया था कि वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड का डायमेंशन फॉर्मूला एल थ्री बाई टी है, क्योंकि यहां पर v का मतलब वॉल्यूम नहीं है, v का मतलब वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड है, तो या रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर. तो एल क्यूब बाई टी, एल क्यूब टी रेज टू पावर माइनस वन है. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड है. किस पे डिपेंड करता है? प्रेशर ग्रेडियंट. सिंबल क्या है? पी बाई एल. प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? प्रेशर बाय लेंथ. तो आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला साइड पे निकाल लेना. प्रेशर आपको पता है क्या होता है और लेंथ आपको पता है क्या होता है. तो एल ऊपर जाएगा, एल की पावर माइनस टू हो जाएगी. तो प्रेशर ग्रेडियंट रेज टू पावर ए, आर रेज टू पावर बी, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी रेज टू पावर सी. इन्हें अगर कंबाइन कर लें तो ये रहा वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, ये रहा प्रेशर ग्रेडियंट, ये रही रेडियस और ये रहा कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी एम एल माइनस वन टी माइनस वन. तो यहां से ऊपर गया माइनस टू, तो ओपन करेंगे एम की पावर ए प्लस सी, एल की पावर करेंगे, टी की पावर करेंगे, इधर से कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड. वो तो आपकी अपनी प्रैक्टिस है. पॉइंट सबको समझ में आ रहा है, लेकिन कैसे करना है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर फिर वही है. वी इज वॉल्यूम ऑफ वॉटर पासिंग अ कैनाल ड्यूरिंग टी सेकेंड. तो ये फिर से वॉल्यूम नहीं है, ये वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड है. तो वी का डायमेंशन फॉर्मूला एल थ्री टी माइनस वन है, ठीक. एंड वो क्या कह रहा है कि ये v इज इक्वल टू के ए टी यू है. वी फॉर वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, ए फॉर एरिया, एरिया एल स्क्वायर होता है, टी फॉर टाइम, यू फॉर वेलोसिटी. आपको इसमें ये बताना है करेक्ट रिलेशन की इनकरेक्ट रिलेशन है. तो राइट और लेफ्ट को सॉल्व करके आंसर क्या आ रहा है, इनकरेक्ट आ रहा है. तो इनकरेक्ट करेक्ट करना तो सबसे आसान है चेक करना. तो पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे चेकिंग करनी है, लेफ्ट और राइट में पुट करके कंपेयर कर लेना है. कोई डाउट इसमें? ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्स आइडेंटिफाई करना है. कितने लोगों को आ गया था? क्या भी था हमने शायद ऐसा क्वेश्चन कुछ. तो एक्स में क्या किया था? आई फॉर क्या है? मोमेंट ऑफ एनर्शिया. मोमेंट एनर्शिया क्या होता है? एम एल स्क्वायर. एफ का फोर्स है, वी का वेलोसिटी है, डब्ल्यू का वर्क डन है और एल का एल है. इसे सब काटना पड़ेगा, एम को एम के साथ, एल स्क्वायर के साथ. करने के बाद आंसर एम टी माइनस टू आएगा और एम टी माइनस टू क्या होता है? सरफेस टेंशन. ये हमने शायद लास्ट टाइम ऐसा किया था क्वेश्चन, मैं जल्दी जल्दी याद नहीं होता, पर ज्यादातर पता नहीं क्यों यार यही फॉर्मूला आता है पूछते हुए, एम टी माइनस टू ही आता है सरफेस टेंशन. ठीक है, एम एल टू टी माइनस टू आता तो क्या होता? एनर्जी. ठीक है, अजीबो गरीब आ जाएगा तो मैं भी बता नहीं पाऊंगा क्या है, उसका भी क्या करेंगे, कुछ नहीं. तो मतलब एक स्टैंडर्ड वैल्यू देने वाले हैं, या तो एक ऐसा क्वेश्चन देने वाले हैं जो बहुत रिपीट होती है सरफेस टेंशन, या एनर्जी या फोर्स टाइप देने वाले हैं. समझ में आ रहा है यहाँ तक? करेक्टनेस चेक करनी है. ये तो बिल्कुल ही साफ पता है, ये टी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर लेंथ है, तो वैसे भी इनकरेक्ट है, बात ही खत्म. कैसे करेक्ट हो गया, इनकरेक्ट है ये तो यार बहुत देर से यूज कर रहे हैं. ये नहीं अगर करेक्ट होगा तो कौन करेक्ट होगा, पता ही है इसमें टी है
एल का मतलब लेंथ है, जी का मतलब एक्सेलेशन है, तो एल और एल कट गया तो ये आ गया टी स्क्वायर का अंडर रूट टी है, तो ये रिलेशन करेक्ट है, तो करेक्टनेस आपने चेक की होगी। ठीक है यहाँ तक। ये भी क्या चेक करना, पता ही है यार, ये ई फॉर एनर्जी है, एम जी एच एनर्जी है, हाफ एम वी स्क्वायर एनर्जी, आँख बंद करके भी कह देंगे हाँ ये करेक्ट है, क्योंकि ये भी एनर्जी एम एल टू टी माइनस टू है, इसको सॉल्व करोगे एम जी एच तो भी पता ही है एम एल टू टी माइनस टू है, इसे करोगे एम और वेलोसिटी का स्क्वायर तो भी एम एल टू टी माइनस टू है, तो इसमें तो कुछ चेक करना ही है, तीनों एनर्जीज हैं, अगर ना भी ठीक आ रहा हो तो भी तीनों करेक्ट ही हैं, क्योंकि तीनों एनर्जीज हैं। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करेक्टनेस चेक करनी है, इसमें रो डेंसिटी है, जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, आर की वैल्यू एल है, कैपिटल जी मैंने गलत पुट की है, यहाँ पर एम की पावर शायद माइनस वन है और एल की पावर माइनस थ्री, कुछ ऐसे थ्री है, तो ये गलत क्वेश्चन किया हुआ है मैंने, क्योंकि रिलेशन इनकरेक्ट किया हुआ है, वैसे रिलेशन क्या आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। अब जब पुट करोगे सही वैल्यूज, ये गलत है तो आप इसको प्लीज ये मत देखना, जब आप पुट करोगे स्मॉल जी कैपिटल जी तो आपका आंसर लेफ्ट और राइट एब्सोल्युटली करेक्ट आएगा, करेक्शन है इसमें, हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व। मेन है क्या, डायमेंशनल फॉर्मूलाज और थोड़ा सा मैथ्स, मैथ्स तो रहेगा ही रहेगा साथ में। फिर वही सेम चीज है, एच की लेंथ है, आर की लेंथ है, डेंसिटी पता है, जी पता है, टू का कुछ नहीं, एस फॉर सरफेस टेंशन एम टी माइनस टू, अब तो याद हो गया होगा एम टी माइनस टू सरफेस टेंशन है, कॉस थीटा एक नंबर होता है, नंबर का कुछ नहीं वन, सॉल्व कर लेना तो इनकरेक्ट आएगा। ठीक है यहां तक। तो जैसे ये वेव लेंथ, चाहे मेरी लेंथ चाहे आपकी लेंथ चाहे बेंच की लेंथ चाहे वेव की लेंथ, लेंथ तो लेंथ है, एल आएगा, तो लैम्डा मूविंग जो है इसके इक्वल है, चेक द करेक्टनेस, लैम्डा का मतलब लेंथ है, एच का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट है, हमने किया था प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, एनर्जी इनटू टाइम, एनर्जी ये रहा टाइम ये रहा एम एल टू टी माइनस वन, तो आप यहां पर एच की जगह एम एल टू टी माइनस वन, एम का मास है, वेलोसिटी का एल टी माइनस है, सॉल्व करके आंसर क्या आएगा एल। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो एल और एल करेक्ट आ गया रिलेशन, कोई डाउट इसमें, हो गया था। ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम किया था ऐसा, जिसमें मैंने आपको बताया था ए और बी निकालो, याद है कि अगर ये एल स्क्वायर है तो बी को भी क्या होना पड़ेगा, एल स्क्वायर एक आंसर। फिर मैंने कहा था कि एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर की टर्म माइनस करेंगे तो आंसर में न्यूमिनेटर में क्या आएगा, एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाई ए टी इज इक्वल टू ई फॉर एनर्जी, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, लास्ट टाइम हमने किया था एप्लीकेशन नंबर टू वाली ये प्रॉब्लम है। ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें, हो जाएगा। फिर हमने मिलता जुलता क्वेश्चन किया था ऐसा, ये वाला भी एफ रूट एक्स वाला, तो ये इक्वेशन है ए और बी निकालना है, क्या सिखाया था कि अगर फोर्स एम एल टी माइनस टू है तो ए रूट एक्स भी एम एल टी माइनस टू है, बी टी स्क्वायर भी एम एल टी माइनस टू है, तो ठीक है इसको इक्वेट कर लो एम एल टी माइनस टू, एक्स का मतलब लेंथ है, लेंथ नीचे आ गई, सॉल्व करके आंसर आ गया, ऐसे ही बी टी स्क्वायर को इक्वेट कर लो, टी फॉर टाइम है, टाइम स्क्वायर नीचे आ गया, आंसर आ गया। तो लास्ट टाइम हमने किया था इस टाइप को क्वेश्चन को कैसे करना है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी किया था, याद है साइन के अंदर की टर्म पूरी की पूरी एंगल होती है, और एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, तो अगर ये डायमेंशन लेस है तो ये पूरी वैल्यू का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, वन, तो ऑब्वियसली ये भी क्या आएगा, वन, ये भी क्या आएगा, वन, दो चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है तो ओवरऑल डायमेंशन फॉर्मूला वन है, तो दोनों वन वन है, तो अगर ये ओमेगा टी वन है तो ओमेगा क्या है, वन बाय टी, टी रेज टू पावर माइनस वन, के एक्स अगर वन है तो के क्या है, वन बाय एक्स, यानी कि एल रेज टू पावर माइनस वन। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ओके। ये क्वेश्चन करने से पहले अब आप लिखेंगे एप्लीकेशन नंबर थ्री, लास्ट एप्लीकेशन करते हैं,